आज तारीख हो चुकी है 14 मई। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर सभी आईपीएल टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है वो थी यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को लेकर। दरअसल कल यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाड़ी यहाँ पर फ्लाइट लेकर अब यहाँ पर वो इंग्लैंड पहुंच चुके। इंग्लैंड के यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी खिलाड़ी अब यहाँ पर आईपीएल को छोड़कर जा चुके, जो कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, जहां पर मोइन अली, इसके साथ ही फिल सोल्ट, जॉनी बेरिस्टो, सैम करन, लिविंगस्टन, जोस बटलर, विल जेक्स और रिसे टोपले, ये सभी खिलाड़ी कल यहाँ पर अब इंग्लैंड जा चुके। तो कुल मिलाकर अब इनमें से जो चेन्नई, आरसीबी, इसके साथ ही कोलकाता, हैदराबाद और इसके साथ ही जो भी टीमें यहाँ पर प्लेऑफ्स में, कोलकाता और बाकी जो भी टीमें यहाँ पर प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए दावेदार है, उन टीमों को यहाँ पर बड़े झटके लगे। उन टीमों के लिए प्लेऑफ्स में ये प्लेयर्स उपलब्ध नहीं रहेंगे। वैसे इन प्लेयर्स की जो भी रिप्लेसमेंट रहेगी वो वीडियो में आगे जाकर तो हम बताएंगे। इसके साथ ही टेलीग्राम पर भी सबसे पहले इन खिलाड़ियों को आपको रिप्लेसमेंट जानने को मिलेगी। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और आप कमेंट करके बताइए इन खिलाड़ियों को जाने से कौन सी टीम को आखिर सबसे अधिक नुकसान होगा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है आज होने वाला आईपीएल के मुकाबले को लेकर। दरअसल आज आईपीएल का काफी इंपोर्टेंट हमें मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पर आज आईपीएल में हमें यहां पर दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पर आरसीबी और चेन्नई के फैंस यही चाहेंगे कि लखनऊ की टीम ये मुकाबला हार जाए और दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला जीत जाए। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ्स के बहुत आउटसाइड चांस है, दिल्ली कैपिटल्स को आज बहुत बड़े मार्जिन से जीतना होगा, फिर दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहना होगा। एक तरीके से दिल्ली का पहुंचना तो काफी मुश्किल है, लेकिन लखनऊ चाहेगी आज मुकाबला जीत करें, अपनी दावेदारी यहां पर काफी हाई कर लो। और इस मुकाबले की प्रेडिक्शन आपको मुकाबले से पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। आज के मुकाबले की मुकाबले से पहले ही हम टेलीग्राम पर यहाँ पर प्रेडिक्शन दे देंगे। आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर लास्ट मुकाबले की भी हमारे प्रेडिक्शन का स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो। कल का मुकाबला वॉश आउट हो गया था, उससे पहले वाले की आप मुकाबले की प्रेडिक्शन का स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो। वैसे आप कमेंट करके बताइए कौन सी टीम आज का मुकाबला जीत रही है। अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है इंग्लैंड के यहाँ पर बाहर हुए खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट्स को लेकर। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर इंग्लैंड के बाहर हुए खिलाड़ियों की यहाँ पर रिप्लेसमेंट्स देख पा रहे होंगे, जहाँ पर हेजोप नाव यहाँ पर न्यूज 24 की तरफ से ये अपडेट निकल कर आया, जहाँ पर मोइन अली की जगह अगर चेन्नई की टीम प्लेऑफ्स में जाती है तो जेसन होल्डर को ये टीम देख रही है। जोस बटलर को यहाँ पर इसी टीम में मौजूद यहाँ पर प्लेयर रिप्लेस कर रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहाँ पर टीकेसी यहाँ पर इनको रिप्लेस कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर फिन एलन और हेजलवुड को आरसीबी की टीम यहाँ पर रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रही है। अगर यहाँ पर आरसीबी की टीम प्लेऑफ्स में जाएगी तो रिप्लेसमेंट के तौर पर ये खिलाड़ी आएंगे। इसके अलावा कोलकाता की टीम में यहाँ पर गुरबाज यहाँ पर हमें खेलते हुए दिखेंगे, फिल सोल्ट की जगह अब गुरबाज यहाँ पर प्लेइंग 11 का भाग बनेंगे। तो हेजोप नाव ये करंटली यहाँ पर रिप्लेसमेंट को लेकर अपडेट है। वैसे फर्दर जो भी अपडेट रहेंगे आपको हमारी यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पता चल जाएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें। और आप कमेंट करके बताइए आपको इनमें से कौन सी टीम का फैसला बढ़िया, कौन सी टीम का फैसला बेकार लगा है। अब हम बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती होती है यहाँ पर 18 तारीख को होने वाले आरसीबी और चेन्नई के मुकाबले के वेदर फोरकास्ट को लेकर। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जहाँ पर 18 तारीख को बेंगलुरु में जो आरसीबी और चेन्नई का मुकाबला होना, उस मुकाबले का यहाँ पर वेदर फोरकास्ट देख पा रहे होंगे, जहाँ पर उस दिन 80% बारिश के चांस, स्पेशली शाम 5 बजे से लेकर 10 बजे तक बारिश यहाँ पर लगातार होगी। तो कुल मिलाकर मुकाबले होने के यहाँ पर 20% केवल चांसेस, और उसमें भी हमें 5-5 ओवर का शायद मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आरसीबी की टीम को यहाँ पर दुआ करने की जरूरत है, आरसीबी के फैंस को दुआ करने की जरूरत है। हालांकि 5-5 ओवर का अगर मुकाबला होगा तो आरसीबी की टीम को यहाँ पर लगभग 10 रन से मुकाबला जीतना होगा, और अगर आरसीबी की टीम चेस करती है तो 5 ओवर में यहाँ पर 4 ओवर में टारगेट 5 ओवर के मुकाबले में चेस करना होगा। तो आरसीबी के लिए ये इक्वेशन रहेगी, और 20 ओवर का होने पर तो आपको पता है कि 20 रन से यहाँ पर मुकाबला जीतना, और अगर आरसीबी की टीम चेस करती है तो यहाँ पर 18 ओवर में चेस करना है, तो ये इक्वेशन रहेगी। वैसे वेदर फोरकास्ट, इसके साथ ही मुकाबले के लाइव अपडेट, इसके साथ ही यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी, सब कुछ हम टेलीग्राम पर पल पल भर में अपडेट कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। अगर आप आरसीबी और चेन्नई के फैंस हो तो आप टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर ले, और आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग उस दिन क्या होगा, क्या आपकी प्रेडिक्शन है, आप अपनी प्रेडिक्शन कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है लखनऊ कप्तान केएल राहुल की तरफ से। दरअसल केएल राहुल जो जिनकी यहाँ पर लखनऊ के ओनर के साथ पिछले मुकाबले के बाद लड़ाई हुई थी, स्पेशली लखनऊ के ओनर ने इनको यहाँ पर पब्लिकली सुनाया था, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और उसके बाद अब यहाँ पर जो दिल्ली में आज लखनऊ की टीम मुकाबला खेलेगी, उस मुकाबले के लिए कल यहाँ पर केएल राहुल यहाँ
पर टीम बस में यहाँ पर वो नहीं आए थे, दरअसल वो दिल्ली टीम के साथ नहीं आए थे, वो यहाँ पर लखनऊ में ही रुक गए थे। तो कुल मिला करें ये यहाँ पर लखनऊ के लिए बुरी खबर है। जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक भी कोई अपडेट नहीं है कि केएल राहुल आएंगे या फिर नहीं आएंगे, मुकाबला खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, अभी एज ऑफ नाउ कोई भी अपडेट नहीं है। वैसे दोपहर तक अपडेट आएंगे तो सब कुछ हम टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वीडियो लाइक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती होती है गुजरात टाइटंस की तरफ से। दरअसल कल का मुकाबला यहाँ पर नहीं हो पाया था, इस वजह से अनफॉर्चुनेटली अब गुजरात की टीम प्लेऑफ्स की रेस से यहाँ पर बाहर हो चुकी। गुजरात की टीम इस आईपीएल एडिशन की तीसरी टीम बनी है जो कि प्लेऑफ्स की रेस से कंप्लीटली बाहर हो चुकी। इससे पहले यहाँ पर मुंबई और पंजाब की टीमें तो ऑफिशियली बाहर हो चुकी, अब गुजरात भी ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। तो तीन टीमों का सफर खत्म हो चुका है, ये तीन टीमें अब इस साल यहाँ पर प्लेऑफ्स की रेस से कंप्लीटली बाहर हो चुकी। आप कमेंट करके बताइए आपको इनमें से कौन सी टीम का बाहर होना आपको सबसे सरप्राइजिंग लगा है। अब हम बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है यहाँ पर भारत की वर्ल्ड कप जर्सी और ट्रेनिंग किट को लेकर। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जहाँ पर भारत की वर्ल्ड कप जर्सी तो यहाँ पर लॉन्च हो गई थी, अब भारतीय टीम का ट्रेनिंग किट और ट्रेवल किट भी यहाँ पर लॉन्च हो गया। आप अपनी स्क्रीन पर कंप्लीटली यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से भारतीय टीम का यहाँ पर ट्रेवलिंग किट और ट्रेनिंग किट रहेगा। आप कमेंट करके बताइए आपको तीनों किट में से कौन सा किट, कौन सी जर्सी आखिर सबसे बढ़िया लगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है यहाँ पर एम एस धोनी की तरफ से। दरअसल एम एस धोनी की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, जहाँ पर एम एस धोनी आ रही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर चेन्नई का आखिरी मुकाबला यहाँ पर 18 मई को होना है। अगर चेन्नई टीम वो मुकाबला नहीं जीतेगी और चेन्नई प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं करेगी तो एम एस धोनी का मोस्टली वो आखिरी मुकाबला हो। हालांकि चेन्नई की टीम मुकाबला जीत जाएगी तो भी जो यहाँ पर प्लेऑफ्स के मुकाबले होंगे वो यहाँ पर डोर डाई मुकाबले होते हैं, तो वो उनमें से जो मुकाबला हारेगी चेन्नई वो धोनी का आखिरी मुकाबला होगा। तो कुल मिलाकर हिसोपना अब यहाँ पर आ रही अपडेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आखिरी मुकाबला एम एस धोनी का यहाँ पर 18 तारीख को होने वाला। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग या चेन्नई की टीम मुकाबला जीत कर आखिर एम एस धोनी को और मौका देगी या फिर नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।